और छोड़ो के हाल। तो आप सभी का स्वागत है बैड वॉर्स के एक और खतरनाक एपिसोड में। तो गाइस भैया, काफी टाइम से ना तुम लोग मेरे से कह रहे हो कि भैया बैड वॉर्स में एक हिडन सीक्रेट मैप है, उसको ढूंढ। मतलब जब तू मर जाता है ना तो उसके बाद उड़ने का ऑप्शन आता है तेरे पास, तो तब जा और जाकर है ना उस सीक्रेट मैप को तू फाइंड कर। मैंने कहा भैया कौन इतनी मेहनत करेगा भाई, अरे हमको बोला ऐसे ढूंढा ढाढ़ी करके कहाँ मिलेगा, इससे अच्छा तो हम सिंपली वो गेम खेल ही लेंगे, वो मैप आएगा जब उसको खेल ही लेंगे। तो वेल फाइनली अपना इंतजार ओवर हुआ क्योंकि बैड वॉर्स का वो न्यू मैप आ चुका है। वेल एक मिनट, एक है या दो है? वेल आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज क्योंकि मेरे हिसाब से दो मैप आए हैं। ठीक है भाई, जो भी हो मतलब आज उसी का तो तहकीकात करनी है ना अपने को कि क्या मैप है, कैसा है, एक है या दो है, वो सारी चीज़ें आज के एपिसोड में अपन तरीके से मालूम कर लेंगे। बट फिलहाल के लिए आप सभी का कीमती वक्त ज़्यादा बर्बाद न करते हुए चलो वीडियो आरंभ करते हैं। तो जी हाँ, ये है वो न्यू मैप हाँ जिसकी तुम लोग बात कर रहे थे। वेल प्रटी श्योर, वेल ये कुछ डिफरेंट एक्चुअली है ना, क्योंकि अक्सर हम लोग अंदर होते थे, हमारी फोर्ज वगैरह अंदर होती थी एंड यहाँ पर सारा माल मसाला बाहर है और बैड अंदर है। अब वेल वैसे ये अच्छी बात है ना, कोई बुरी बात ना है इसके अंदर। और उसके अलावा वेल तुम लोग मेरे से कह रहे थे कि ब्रदर देख जो तूने, एक मिनट रुको, वेल मैंने सोचा वहाँ मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, वेल इग्नोर इट है ना। तो वेल तुम लोग मेरे से कह रहे थे कि ब्रदर देख तूने सीजन पास बाय किया है तो तू अब ये सामान यूज़ कर या मत कर, ठीक है तेरा कट चुका है तो या तू यूज़ कर सकता है, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। तो मैंने कहा वेल देखो ऐसा तो नहीं है कि मैं हर बार यूज़ करूँगा, वेल अगर नेसेसरी हुआ मुझे लगा कि हाँ भाई अब करना पड़ेगा तो अपन यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज अपन यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। बट मित्र आप कहाँ आए हो मरने के लिए इतनी दूर? हाँ अरे रुकना ब्रदर, हम भी ये क्या हो रहा है तुमने वो हेलो तू मेरी टीम का है, ओके अंडरस्टूड। एम्ब्रल एक जगह पर ना है, मैंने अभी लोबी में था तब देखा था, एक ऊपर भी है। मैंने कहा था ना, ओ हाय सर, मेरी सेंसिटिविटी बहुत ओपी। हाय सर कैसे हो? हेलो आप पे माल सा लग रहा है सर मुझे थोड़ा बहुत, तो माइंड मत कीजिएगा प्लीज़, है ना हमने आपको मार दिया, मतलब सामान लेने के लिए तो वो करना ही पड़ेगा है ना, अदरवाइज क्या फ़र्क रहेगा, ठीक है। ओ हाय मित्र कैसी चल रही है तेरी ज़िंदगी? सर मर जाइए आप, क्योंकि आपके मरने पे हमको सामान मिलेगा जो हमारे लिए नेसेसरी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड मैं अब एक काम कर लेता हूँ, अपने लिए आर्मर ले लेता हूँ। मुझे पता है कि सबसे पहले अपने को एक स्वॉर्ड लेनी चाहिए बट आज मैं डिफरेंट करूँगा, कुछ डिफरेंट, क्योंकि मैप भी न्यू है तो थोड़ी हरकतें भी नहीं करनी ही पड़ेगी, ठीक है। ऑलराइट जल्दी जल्दी से ये कलेक्ट कर ले। एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ मैं, क्यों अपनी ज़िंदगी से इतना हताश हुआ? वेल उसका तो मुझे नहीं पता बट मेरे हिसाब से बताऊँ क्या है, मेरे को ऐसा लगा भाई सही में इसमें दो ही मैप है, ठीक है। ओ मैं सोच रहा था तुम लोग भाई लिटरली मेरी सेंसिटिविटी, भाई लिटरली मेरी सेंसिटिविटी बर्बाद है यार, उसको सही करना पड़ेगा एक्चुअली। रुको वेट ब्रदर सेंसिटिविटी, अबे भैया सेंसिटिविटी ठीक कर लेता यार, मान जाता हूँ। पता नहीं यार क्या ही नशे में आया था लोंडा। वेल भाई तो जिस भी नशे में आया हो इसका डेफिनेटली नशा उतर गया होगा। ओ जी हाँ मेरी से, अबे यार चिल मार लो ना यार, क्यों परेशान हो जिंदगी से हैं? नहीं मेरे को सी तुम्हारी बहु बेटियों के मतलब क्यों भाई, क्यों क्यों मेरे ऊपर गंदी नजरें डाल रहे हो तुम लोग, ऐसा नहीं चलता, ठीक है माफ़ कीजिए हमको। फिर कोई आ गया यार नटवर लाल मान जा, क्यों क्यों हताश हो तुम लोग? ये कहाँ बग गया, आया तो था यार एक्चुअली, ऊपर गया नहीं, हाँ हाँ नहीं वह नहीं नीचे ही है वो, ओके। ओ ओ ब्रदर आपने एम्ब्रल ले लिया, सॉरी हमें क्षमा कीजिएगा बट एम्ब्रल लेने वालों को हम कदे भी माफ़ नहीं करते, तो हमें हमें क्षमा कीजिए सर, हमें बहुत हम बहुत ज़्यादा क्षमा की प्राप्ति हैं, ठीक है माफ़ कीजिएगा हमको बिल्कुल। ऑल राइट फटाफट यहाँ से अपने लिए एक सॉर्ड ले लेते हैं, देन वी आर रेडी है ना। हाँ वेल ये जिस तरह ये आया ना मैंने सोचा आज एक और मरेगा बट वेल नहीं एक्चुअली है ना। वेल देखो जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी ना यहाँ पर दो मैप आने चाहिए, ठीक है बट यहाँ पर एक ही मैप है, आई एम नॉट श्योर। अबे क्या, ओ वे मैं इसी की बात कर रहा था तुम लोगों से, ठीक है हाँ मैं इसी की बात कर रहा था। मतलब भाई क्यों वो बटन क्यों आता है मेरे, फालतू में 8G क्यों वेस्ट हो गए ना यार, मैं सोच रहा था कसम से मुझे ग्रीन वाला मार रहा है। मतलब भाई एक साथ बंदे को जब इतने सदमे लगते हैं ना तो उसका दिमाग खराब हो जाता है कतई, ठीक है।
एंड अब मैं डेफिनेटली तुम लोगों को पकड़ पकड़ के फाड़ूंगा, क्योंकि तुमने मेरे साथ ये सही नहीं किया ब्रोदा। तेरी वजह से मेरा कट गया, बहुत लंबा वाला, बहुत गलत वाला एक्चुअली। हाँ एंड ये कबूतर मरेगा मेरे हाथों से। एक्चुअली मेरे पास फ्री का TNT, तू आ जा और मर जा। थैंक यू, मेरे पास फ्री का यस 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 मेरे पास फ्री का TNT है। बस निशाना ठीक नहीं है मेरा। ग्रेट, बहुत ही अच्छे, कहते प्रो लेवल का निशाना है ना। जी हाँ ब्रदर, कैसे हो? मर लो। वेल, ओ पका, आम गिर गया। नहीं नहीं, कैरी है एक्चुअली ये तो। वेल जो भी हो तू मरेगा, क्योंकि मेरा मूड हो रहा है तुझे मारने का। अस आई टोल्ड यू है ना, जब भाई का शिकार खेलने का मन होता है ना तो वो ऐसे ही आता है, ठीक है? और मैं क्यों टाइम पास कर रहा हूँ जाकर? ओह ये तो कोई बात नहीं हुई यार, भैया जी हैं मतलब इस तरह TNT लेके काहे भैया काहे। ओके ब्रदर, तू इस तरह की हरकतें करेगा तो मेरे पास भी दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? मैं अपने बैट को ऑब्सीडियन से डिफेंस करूँगा। बैट को नहीं कर रहा एक्चुअली, बैट के मुहाने को कर रहा हूँ, ताकि मारा कूटी हो तो अपन थोड़ा तरीके से कर पाए, है ना? डिफेंस भी ज़रूरी है गाइस, डिफेंस भी ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह की हरकतें मैं आज कर रहा हूँ ना भाई, डेफिनेटली मैं मरूँगा। एंड अब मैं फटाफट चल जाता हूँ युद्ध लड़ने। और तुम लोगों से मेरी लड़ाई है, ठीक है? तुम लोगों के पास मैं कतई नहीं आऊँगा, क्योंकि अब मैंने एक और गोल्ड लिया था यार, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है? वेल लीव इट, अपने पास दुनिया भर का गोल्ड है। या वी आर टू मच रईस इवन, है ना? हाँ मुकेश अम्बानी, जल्दी ही तेरी टक्कर। क्या क्यों क्या? हेलो, वाह खत्म हो गया। ओह ओके ग्रेट, ये तो मुझे आश्चर्यजनक बात हो गई, कतई मेरे साथ है ना। हाँ मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, बट ओके ठीक है, अब इसको वापस बैक एंड अप। वेल दैट्स गुड एक्चुअली, है ना? दैट्स एकदम गुड। हाँ अब जिस लोंडे ने मेरे पे TNT फेंका था ना, उस पर मैं भी TNT फेंकूंगा। इंतकाम लोंडे, एक मिनट। हाँ ये है, एंड इस पर एक और डायमंड मिल जाएगा तो इसका भी काम भरी हो जाएगा। एंड एक्चुअली मैं रहन दूँ, मैं जा रहा हूँ और जाकर सीधा ही लड़ाई करूँगा। वैसे भी ब्लू वालों का बैट टूट चुका है, वो कभी भी भगवान को प्यारे हो सकते हैं। एंड मेरा आर्मर कीड़े पड़े जिसने मुझे मारा था, कसम से कह रहा हूँ। वो लोंडा मेरे हाथ लग गया ना, उसको तो इतनी तड़पा तड़पा के मृत्यु का मुहाना दिखाऊंगा ना, कसम से। मतलब ये मुहाने का मतलब क्या होता है मुझे खुद ही नहीं पता, बट कहने में अच्छा लगा एक्चुअली, मुहाना। वेल ग्रेट ओके, एंड मेरे पास 5 हो चुके हैं, तो एक सोर्ड बाय करनी चाहिए मुझे, डेफिनेटली मुझे बाय करनी चाहिए, बिल्कुल। ऑलराइट अब आओ, कौन सा आ रहा है मेरे सामने? किसको अपनी मौत, मतलब जिंदगी प्यारी नहीं है? मौत तो सबको प्यारी नहीं होती, बट जिंदगी भी किसी किसी को प्यारी नहीं होती। जी हाँ लाइक दिस, है ना? ये लोंडे भी मरने के मूड में आए हैं आज, आई नो दैट, है ना? आई नो दैट। और इस बार भैया डिफेंस मतलब इम्प्रूव कर दिया गेम वालों ने काफ़ी ज़्यादा। ओह बोलोंडा पूरा डायमंड धारी है, वेट हुआ मेरे पास, क्योंकि इस बार मैं TNT लेके बिल्कुल रेडी हूँ। और ये लोंडा मेरे हिसाब से नशे में धुत है। ओ एक्चुअली उसका बॉडीगार्ड आना चाहता है। वेल एक्चुअली आ जाओ, मैं सबको मार दूंगा। आज भाई का मूड है, आज भाई सबको मारेगा, ठीक है? एक एक को बेहतरीन तरीके से कूटा जाएगा, क्योंकि आज बहुत गंद। अबे भाई गया। ओ एक्चुअली मेरा सूरा ने काम कर दिया, इवन मैं सुअर हूँ बट मेरे सूरा ने अपना काम कर दिया। वेल ग्रेट नाइस गाइस, नो आई हैव टू गो। मेरी ओके ग्रेट, मैं तो ओए भाई लैग नहीं चाहिए इस टाइम, कतई नहीं चाहिए। तो पागल है क्या? मरने इतनी दूर आया, इतनी दूर क्यों आया भाई? अबे नहीं गया। वेल देखो मैं मर गया, मेरा सामान गया, बट एटलीस्ट कम से कम अपना वो तो नहीं गया ना, GQ बेस्ट नहीं हुए। मैंने दूसरी तरफ क्लिक किया था, पता नहीं क्यों किया था, बट हाँ किया था। तो या लीव इट, ठीक है? एंड एक्चुअली चलो बाहर में जान दो, सब कुछ जान दो। अब मैं बैट क्यों नहीं तोड़ रहा उनका यार? मैं तोड़ सकता था, मेरे पास मौका था, बट लीव इट, है ना? देख लो मेरे बंदे बढ़िया बैट तोड़ रहे, मैं ही नशे में धुत पड़ा हूँ। पता नहीं जाने कौन सा लेवल का और किस, मतलब क्या कर रहा हूँ मैं आज भाई, आज 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 सही में भाई लिटरली मैं ओए क्या तुमने देखा वो? मुझे तो डेफिनेटली पता भी नहीं, मैंने अभी अभी ओहो इनविजिबल लोंडा, हाँ पता नहीं कहाँ से आ रहा है वो। ओके ब्रदर तेरी सॉर्ड दिख गई, तू चाहे अदृश्य हो बट एक बार अगर सॉर्ड दिख जाती है ना तो ओ ओ
अबे इस तरह कौन आता है बे, हाथ फैला हो जाता है अभी अभी, पागल कहीं का। अब ब्रदर तू अदृश्य हो या ना हो बट शॉर्ट दिखाकर गलती कर बैठा ना तू, बहुत बढ़िया एक्चुअली। हाँ अदरवाइज ही मरता नहीं बट ऐसे मर गया। वेल लीव इट, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना। ब्रदर दाना पड़ा उधर चुग ले, मेरे तो काम आ नहीं रहा, तेरी आ जाएगा क्या पता। ओ सर बिग फैन, ओ हरियाली। वेल सर आपका ये झबरुल लुक का मर गया। ब्रदर पता नहीं तुम दोनों में से नशेड़ी कौन है बट मेरी होड़ तुम में से कोई नहीं कर सकता क्योंकि मेरे जैसा लेवल किसी का नहीं है। और वेल मुझे पता है आज मैं पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ बट भाई जब न्यू कोई चीज़ आती है ना तो उसको उसके चक्कर में बंदा इतना एक्साइटेड। ओह मैंने अभी अभी नोटिस किया मेरे पास दुनिया भर की डायमंड पड़े हैं तो अपने आप को इम्प्रूव कर लेता हूँ। हाँ भाई सोरे कैसा है, अबे मर ले यार थोड़ा सा गरीब पे मतलब कर जा कुछ एहसान प्लीज। वेल मुझे क्यों ऐसा लग रहा है मेरा मतलब डिफेंस वगैरह कुछ कमज़ोर सा लग रहा है मुझे। वेल सब कुछ ही ओपी है, इसको भी कर ही लेते हैं, पता नहीं क्यों किया बट कर लो। हाँ आज मैं बूढ़ा नहीं, इससे ही तो ओह इनविजिबिलिटी हो ग्रेट बड़ा। ओह हाय सर, बाय सर। वेल पता नहीं TNT फेंक के मैं अपना ही हाँ अबे क्या जा रहा है अटैक में, अबे क्या नहीं पागल इंसान नहीं ऐसी हरकतें नहीं करते। थैंक यू सर बाय, हैव अ नाइस डे। जबरू रुक जा मेरे हाथ से प्लीज। वेल मुझे नहीं पता ये वाली किल मैंने ली थी या उसने ली थी बट लोंडा मर गया मुझे ये पता, ठीक है। तो जी हाँ अपना अनुमान करते ही सही था भैया, गेम में दो नए मैप आए हैं ठीक है, और फिर भी मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि गेम में दो नहीं तीन नए मैप आए हैं। वेल पहला अपन ने खेल लिया, दूसरा ये मेरे हिसाब से ये विंडमिल मैप है मेरे हिसाब से, ठीक है। ऑलराइट एक काम कर लेते हैं फटाफट यहाँ से सामान सट्टा कलेक्ट कर लेते हैं और सीधा ही नंगा युद्ध लड़ते हैं अब की बार, है ना, क्योंकि मतलब ये नहीं ले सकते, कोई बात नहीं हम ये ले लेंगे ठीक है। इस बार जल्दी जल्दी सामान सट्टा ले लुआ कर और सीधा ही रश पर निकल ले। कौन था अबे तेरी भूतनी के भाई, नए मैप में भी तुम लोगों को पीछा नहीं छूट रहा क्या यार, पता नहीं यार कहाँ से किस ग्रह से आ रहे हो तुम लोग। ग्रीन वाले भी आ गए नाइस, जल्दी जल्दी जाकर अब इनका शिकार खेल लेता हूँ। अब वेल अपने वो फ्री फोकट का सामान तो इन्हीं से मिल जाएगा, अपने पास रन्स की शक्तियाँ हैं तो कभी भी नहीं एक्चुअली नहीं मिला। ओके कोई बात नहीं अब मिल जाएगा तब ना, तो अब सही है ना, फटाफट इनका सीन पानी ख़त्म कर देते हैं क्योंकि मेरे को ना पूरी पूरी फीलिंग आ रही है भैया गेम में एक और मैप है ठीक है, तो उसकी भी तलाशी लेनी है और मैं पूरा टाइम यहीं पर टाइम पास नहीं कर सकता, तो जल्दी जल्दी से इन नलायकों का किस्सा ख़त्म कर देते हैं। और लेट्स वेल इन बॉट्स की मेरे को ये बात समझ में नहीं आती, अबे सारा नशा करके ब्रिज में डिफेंस कर रहे हो क्या, बैड डिफेंस एक्चुअली। अबे भाई उनसे ज़्यादा नशा तो मैं हूँ करता हूँ एक्चुअली, लीव इट ठीक है। चल लेते हैं अब ग्रीन वाले के पास और फटाफट इन सब का बैड बार तोड़ताड़ के और इनका सीन ख़त्म कर देते हैं। उग्रवादी संगठन के ही लोग मैं जानता हूँ ठीक है, हाँ मैं भी कुछ टाइम उस संगठन का हिस्सा था इसलिए मुझे पता है बिल्कुल। एंड ये लोगों ने होस में बनाया है डिफेंस बट कोई ना, अटोमिक्स तो वैसे तो मैं भी ज़्यादा होस में नहीं रहता बट लीव इट ठीक है। गाइस तुम लोग यहाँ खेती बाड़ी कर रहे हो आई अंडरस्टैंड है ना, वेल ये इसे तोड़ सकते हैं अपन, तोड़ तो सकते हैं बट मिलेगा नहीं। और अब जल्दी से चलते हैं और जाकर है ना न्यू मैप देखते हैं एक और, और जहाँ तक मुझे याद है उसका नाम है यूनिवर्सल मैप, यूनिवर्स मैप एक्चुअली है ना, तो इसीलिए मेरे को लग रहा है भैया तीन मैप है गेम में ठीक है, और पहले भी इसीलिए लग रहा था कि दो मैप है। हाँ मतलब थोड़ा मुझे पता है ये कन्फ्यूजिंग है बट हाँ यही है। ऑलराइट इनका किस्सा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, वेल ये आखिरी बंदा ठीक है। और अगर मैं वो एक्चुअली एक काम करते हैं इसमें जंप लेकर मारेंगे इसको, या तो मैं ख़त्म या वो ख़त्म, या 50-50 का चांस है ठीक है, दोनों जो सीना वाली जंप लूंगा इसके साथ तो मैं। ऑलराइट ब्रदर आजा, एक्चुअली वो ख़त्म है नहीं भाई, देखो मुझे पता है भैया मेरा नसीब इतना ख़राब है और मैं इतना गिरा हुआ प्लेयर हूँ, फिर भी मैंने वो जॉन सीना वाला स्टंट पता नहीं क्यों किया, इवन मैं मर गया एक्चुअली मैं जीत सकता था बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे ठीक है। और मैंने कहा था भैया गेम में तीन मैप आए हैं और ये रहा वो तीसरा मैप जी हाँ, तो इसको भी जल्दी से आराम से निहार लेते हैं और फटाफट पहले तो मैं यहाँ से यार मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल सा यहाँ से ये ले लेते हैं और अपने लिए ये सब बाय कर लेते हैं। देन एक ग्लाइडर ले लेता हूँ, अभी अभी स्टंट हो चुका है तुमने देखा ही होगा है ना जी हाँ, मैं नहीं चाहता कि वो स्टंट दोबारा हो इसलिए इन सबको वापस से रख लो। और अब चल लेते हैं और जाकर शिकार खेलते हैं
ऑरवेल जैसा मेरे को टीममेट देखकर लग रहा है भैया इस बार शायद सही सलामत बंदे मिलेंगे मेरे को, हाँ जो मतलब तरीके से फाइट कर सके। लोंडे तू मतलब देखने में तो रियल बंदा लग रहा है क्योंकि बॉट ऐसे जबरा नहीं पहनते, बट हरकतें तो पूरी बॉट वाली है तेरी, क्योंकि इस तरह का ब्रिज मैंने तो भैया किसी रियल बंदे को बनाते ना देखा। अब वेल मेरे हिसाब से इस बंदे के साथ खुद का कोई पर्सनल सीन होगा इसलिए लीव इट, ठीक है। हाँ भाई लोंडे हमसे ही बोल देता है यार, हम ही बनवा देते तेरे लिए ब्रिज वगैरह जो भी बनाना है। और यह है अपना तीसरा न्यू मैप, यूनिवर्सल मैप, यूनिवर्स मैप एक्चुअली। हाँ थोड़ी मतलब नशे वाली बातें हो रही है यहाँ पर, बट या तुम लोग उसी को इग्नोर कर सकते हो, तुम्हें पता है तुम्हें क्या इग्नोर करना है, ठीक है। मुझे पता है मैं गिरूंगा, बट रिस्क लो और ज़िंदगी बदलो, मेरी नहीं इन लोगों की। हाँ एंड मेरे को पता था भैया रेड वाले बंदे हैं ना, वो लिटरली ना नशा फूंक के बैठ डिफेंस करते हैं। भाई क्या किस ग्रह से बिलोंग करते हो यार तुम, हैं खुला बैठ छोड़ के मतलब, या मैं समझ गया ये लोग खुला सांड युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो हमसे बोल देते यार, हम ही ट्रेनिंग दे देते तुम लोगों को खुला सांड युद्ध की। वेल लीव इट, कोई बात नहीं। लोंडे हेलो भैया, अबे पीछे तेरे मौत आ गई हो, तुझे तो मतलब जिंदगी खोज खबर ही नहीं है यार, क्या डिफरेंट लेवल का नशेड़ी यार तू। भाई पहले मैप में तो बढ़िया बंदे आ रहे थे यार, अचानक से क्या हुआ, ये सडनली क्या हुआ और क्यों हुआ है जी। मतलब स्टार्टिंग में तो ठीक चल रहा था, अचानक से भैया पूरा मतलब सीन बदल गया, मतलब सारी बोट आने लग गए। वेल पहला मैप अच्छा जा रहा था एक्चुअली अपना, है ना। हाँ लीव इट, ठीक है इनको मार दो और इनका बैट तोड़ दो, देन एक ही जगह पर सब मरेंगे। हाँ मुझे पता है मतलब ब्लू वाले को लग रहा था कि वो बैट तोड़ेगा, बट कोई ना ब्रदर कोई ना, हमने तोड़ दिया। एंड इसी के साथ ग्रीन टीम का खात्मा हो चुका है और अब चलते हैं अपन ब्लू टीम के पास, जो भैया मेरी तरफ कुत्तों की तरह आ रही है। जी हाँ बिल्कुल, इसी को मतलब गुड नाइट सर, बिल्कुल एंड गुड नाइट टू यू ऑल्सो, है ना। एंड मैं फ्लाइंग जट वाली हरकतें कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ग्लाइडर है, इसके ऊपर जाएं, एक्चुअली इसी के ऊपर जाते हैं। ओ या नाइस, ग्रेट 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 यूनिवर्स मैप, हाँ नाइस बाय द वे, अच्छा लग रहा है एक्चुअली, है ना। बट अगर मेरे से पूछो ना, मेरे को सबसे बढ़िया वो वाला मैप लगा, कौन सा था वो पहले नंबर पर खेला अपन ने, जो नाम तो याद नहीं है उसका, बट मैप अच्छा था वो। ऑल राइट लेट्स, मेरी हेल्थ की तो टेंशन मत ही लो तुम, है ना, क्योंकि अपन उसको फिक्स कर लेंगे। कहा था ना मैंने कि अपनी हेल्थ को अपन फिक्स कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, मेरा उससे मेरा यही तात्पर्य था कि इस तरह अपन अपनी हेल्थ को फिक्स कर लेंगे। तुमने क्या सोचा था क्या करेंगे अपन, मतलब हीलिंग ना, हीलिंग कौन यूज करता है आज के जमाने में, अपन फ्यूचर में जी रहे हैं, ठीक है। वेल जो भी हो, अपन आ चुके हैं राउंड टू के लिए, और गाइस क्या तुम लोग तैयार हो राउंड टू के लिए। और भाई मेरे को ये बात कसम से कहते पसंद नहीं है कि यार ग्लाइडर अगर तुम्हारा टकराता है ना किसी से, तो तुम्हारा ग्लाइडर उड़ेगा नहीं, फेल हो जाएगा यार, वो बात मेरे को कहते पसंद नहीं आई। पर ब्रदर थैंक यू फॉर डिफेंडिंग देम, अब मैं इनका डिफेंस तोड़ देता हूँ क्योंकि मेरे को इनका डिफेंस तोड़कर बढ़िया, मतलब भैया तीनों डिफेंस अपन नहीं तोड़े जहाँ तक मुझे लग रहा, ठीक है, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्या हर्ज है इसमें, ठीक है। मतलब इनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, इनको कुछ मतलब वो ही नहीं है खबर। मैं भी आ रहा हूँ ब्रदर, रुक जा मैं भी आ रहा हूँ। ओ नहीं भाई कसम से मेरे को लगा था कि वो आखिरी बंदा है, ठीक है। मैं कूद गया, मैंने कहा इसके बाद तो ओ हाँ ये मेरी ट्रिक थी, एक्चुअली ये मेरी ट्रिक थी, ठीक है। मैंने इस लोंडे को बहुत बहुत कम से कम 1000 कोस दूर से देख लिया था, ठीक है, कि हमारे बैट हमारे बेस पर हमारा बैट तोड़ रहा है, तो मैं पहुंच गया इसके पास। अब मतलब कवर अप करने के लिए कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना। वह जो भी हो, मेरी बात यह है भैया अपन आज तीनों मैप देख लिए, और एक्चुअली मेरे को बताऊँ सबसे बेस्ट है ना पहले नंबर पर जो मैप था ना वो ही लगा, ठीक है, क्योंकि उसमें हमारा बैट घर के अंदर होता है और मतलब मज़ा उसी में आता है। ये घर के अंदर मैप है, मतलब उसमें तुम कितना कुछ कर सकते हो, क्रिएटिव मैप है वो बहुत ज़्यादा, ठीक है। वो मैप यूनिक था तो मेरे को वो वाला ज़्यादा पसंद आया, बाकी के दो एवरेज थे बट वो वाला बेस्ट। और इसी के साथ मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफ़ी होना चाहिए। उम्मीद है सभी को आज के एपिसोड में मज़ा आया होगा, आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूले, और मिलते हैं जल्दी और न्यू एपिसोड में, तब तक के लिए गुड नाइट।